एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विकास यात्रा में राशि व्यय कौन करेगा? राशि व्यय के नहीं है कोई आदेश, दिनेश लांडे सभापति लांजी। चल रही विकास यात्रा में होने वाले जय के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनपद पंचायत के सभापति दिनेश लांडे ने बताया कि विगत 5 फरवरी 2023 से आगामी 25 फरवरी 2023 तक चरणबद्ध तरीके से समस्त ग्राम पंचायतों में विकास यात्रा प्रारंभ है। ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके द्वारा व्यवस्था स्वरूप बैठक, पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित अल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है। शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार विकास यात्रा संपन्न की जा रही है, किंतु उस विषय पर होने वाले खर्च और फिर भुगतान के प्रति संशय की स्थिति निर्मित है। विदित रहे कि यात्रा प्रारंभ के दिवस से थे जिला सरपंच संघ के आह्वान पर जनपद क्षेत्र के अधिकतर सरपंच पंचायत कार्य से विरक्त रहे हैं। ऐसे में विकास यात्रा के संपन्न होने के बाद भुगतान समस्या न बन जाए, इसी को लेकर जनपद पंचायत के सभापति दिनेश लांडे ने जनपद CEO को 17 फरवरी को एक ज्ञापन सौंप कर से संबंधित जानकारी मांगी गई है। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजे से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर आपका परिचय? सर मैं दिनेश लाड़े, सभापति जनपद पंचायत लांजी। जैसे कि अभी आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि विकास यात्रा में होने वाले व्यय के बारे में, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरे लांजी जनपद के लांजी जनपद क्षेत्र में विगत पाँच फरवरी से वर्तमान तक और 25 फरवरी तक चरणबद्ध तरीकों से विकास यात्राएं जो हैं संपन्न किया जाना है। और इन विकास यात्रा के आयोजनों में जिन ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को, चाहे वो रोजगार सहायक हो, सचिव हो, उनको जो जवाबदारी दी जा रही है कि आप इस तरह का आयोजन आप वहाँ ग्राम पंचायतों में करें। अब वहाँ पर जो ग्राम पंचायतों में सचिव है या रोजगार सहायक है, उनके द्वारा बैठक पंडाल से लेकर के स्वल्पाहार से लेकर के ध्वनि यंत्र से लेकर के कहीं कहीं पर तो ढोल नगाड़े और ताशे बजाए जा रहे हैं, फटाके भी फोड़े जा रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है यहाँ पर कि इस तरह के आयोजन का खर्च जो है वो कौन उठा रहा है? अगर इसको शासकीय योजना या शासकीय निर्देश प्राप्त विकास यात्रा माने तो इसके लिए क्या निर्देश ग्राम पंचायतों को हुए है क्या कि आप आयोजन का खर्च या इस पर होने वाला व्यय जो है वो ग्राम पंचायत अदा करेगी? तो अभी इस पर जो है संशय बना हुआ है। तो आपने इस संबंध में किसी संबंधित अधिकारी से चर्चा की? मैंने दूरभाष के जरिए जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी को मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो आयोजन हो रहे हैं ग्राम पंचायत बार, क्या इन आयोजनों के खर्च को लेकर के आपको किसी प्रकार का शासन से निर्देश प्राप्त है क्या? तो उन्होंने सीधी लाइन में कहा कि भाई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन निर्देश हो जाएंगे। मैंने कहा निर्देश अब जब हो जाएंगे तो वो शासन प्रदत्त रहेंगे या आपके द्वारा उनको निर्देशित किया जाएगा? तो उन्होंने बोला कि हम इसको जो है हम निर्देश करेंगे। तो हम निर्देश करने का यहाँ मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर जो ग्राम पंचायत अपनी जनता पर जो सीधे कर लगा रही है, चाहे वो भवन कर हो, वृत्ति कर हो, सफाई कर हो, जल कर हो, बिजली कर हो, तो उन करों के माध्यम से जो सीधा जनता का जो पैसा या रुपया ग्राम पंचायतों के ग्राम कोष में जमा होता है, अगर इस आयोजन का खर्च या भुगतान इस राशि से या ग्राम कोष से होता है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ठीक, बने रहिए हमारे साथ एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।